मेंटल मैथ क्लास 10th। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों आज हम सीरीज में करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए, देखकर सीखिए, दूसरों को जरूर सिखाए, दिया प्रैक्टिस करें। भाई प्रैक्टिस जरूर करनी है अगर आपको अच्छे मार्क्स ले आने हैं, अच्छे रैंक लेके आनी है। ठीक है, बताने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा, तो प्रैक्टिस जरूरी करनी है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि सर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी आप बता दे तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपके मैथ में, मेंटल मैथ में शुरू में दी होती है, वो प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ, हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल लिखा है या आप इसको बोल सकते हैं बच्चों, देखो इसमें जो है ना वाई वाले पद को हम आगे ले आते हैं इस तरीके से, इसमें कन्फ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है आगे पीछे, ऐसा आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है ना, तो पहले वाई वाले टर्म होते हैं, एक्स वाले टर्म होते हैं, यानी वेरिएबल होती है, बाद में कॉन्स्टेंट टर्म आते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो लास्ट है और जो फर्स्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी लास्ट में है 8 - 8 है और शुरू में है वाई स्क्वेयर, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो -8y² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीच में मिडल टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इसके हमें फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर करने होते हैं, यानी हमें 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, -8 आ जाए, और उनको आपस में, क्योंकि एक नंबर माइनस का है तो हमें भी एक नंबर माइनस का लेना होगा और एक नंबर का प्लस का लेना होगा, एक नंबर प्लस का। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस करने पे आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 8। ठीक है, समझ में आया, तो वो नंबर कौन से होंगे, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, सोचा है 4 और 2 होंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर जो साइन देख लेना है मिडल टर्म पर किस चीज़ का साइन है, माइनस का है, तो बड़े जो बड़ा नंबर होगा उस पर माइनस का रखना है और स्मॉल नंबर पर किसका रखना है, प्लस का साइन आपको लगाना है। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, वाई स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर अब 2y नहीं लिखेंगे, -4y लिखेंगे और +2y कर देंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाए फिर वही नंबर आ जाएंगे, लेकिन हमें 2 नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो -8 = 0, तो इस तरीके से लिखना है। अब आपको इसमें बना लेना पेयर, ठीक है, इस तरीके से। अब इस फर्स्ट पेयर में से जो कॉमन नंबर आपको नज़र आ रहा है उसको आप निकाल लीजिए बाहर, जो वाई है, ठीक है, वाई स्क्वेयर था, वाई बाहर हमने ले लिया है, तो यहाँ पर रहेगा वाई और माइनस इधर रह गया 4। ठीक है, क्योंकि वाई तो कॉमन आ चुका है और प्लस का साइन इधर लगाएंगे। अब इन दोनों इस पेयर में जो है कॉमन नंबर है 2, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, तो 2 आप ले लीजिए और ब्रैकेट डालिए, यहाँ पर रहेगा वाई और माइनस और 2, ये 8 कहाँ पर आएगा, 4 पर आएगा, इस तरीके से। ठीक है, आइए इस तरफ कर लेते हैं, तो वाई प्लस 2 और y माइनस 4, ठीक है, = 0, यहाँ पर 0, क्योंकि 0 फाइंड आउट करने ना, तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये +2 इधर आकर ये -2 हो जाएगा और ये -4 इधर आकर ये, ठीक है, जब आप राइट साइड में लेके आएंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो ये आपकी 0 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजी है, फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड आउट करनी है तो इसमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर तो लिखा है t², लेकिन इधर लिखा है क्या लिखा है, 27 लिखा हुआ है। ठीक है, 27 लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कैसे करें, तो आइए हम इसका एक कर लेते हैं, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। अगर हम इसको रूट के अंदर डाल दें, √27 लिख दें और फिर होल स्क्वायर बना दें, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट जाएगा और फिर 27 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें रूट और स्क्वायर डाल देते हैं तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है, क्या, a² - b², तो क्या होगा बच्चों, a² - b² इक्वल होता है a+b, ठीक है, a+b इस तरीके से, और a-b, ठीक है, a
माइनस बी, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है इस तरीके से, और इक्वल जीरो डाल लीजिए। ठीक है, अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें टी की वैल्यू निकालनी है, आइए देर निकाल लेते हैं। तो टी इज इक्वल, अब बच्चों ये यहाँ पर ठीक है इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस रूट 27, और ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, इस तरीके से तो ये प्लस क्या आ जाएगा, रूट 27। ठीक है, अब आगे स्कोर कर लेते हैं। अब बच्चों 27 के अगर आप फैक्टर करें, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, आगे और करना चाहे तो कर ले। ठीक है, तो 3 से इसकी अगर हम फैक्टर करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है ना, अब क्योंकि रूट का साइन है, रूट में पेयर बनाना होता तो पेयर में से वन नंबर बाहर निकाल लीजिए तो 3 आ जाएगा माइनस 3, और इस 3 का पेयर नहीं बना तो इसको रूट के अंदर ही डालें। ठीक है, इस तरीके से तो 27 है इधर, इधर भी ये यही आ जाएगा। ठीक है, इसको 3√3 हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों यहाँ पर देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री, डिग्री फाइंड आउट करनी है बच्चों ऑफ द पॉलीनोमियल। यहाँ पर पॉलीनोमियल गिवन है, तो आप इसमें ना ये जो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो ए स्क्वायर, तो ए क्या है बच्चों जेड है, तो जेड ये है और स्क्वायर हमने ये डाल दिया। ठीक है ना, और फिर है लिखा है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 2 है तो 2 स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर यानी जेड, तो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर तो इसी में बच्चों अगर डिग्री आपको फाइंड आउट करने तो यहीं पे डिग्री फाइंड आउट हो जाएगी। डिग्री वो होती है बच्चों, इसमें लिखा फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, तो डिग्री यानी जो सबसे ज़्यादा डिग्री होगी उस डिग्री के बारे में बातें की जाती हैं। तो वो जो जिस भी वेरिएबल पर सबसे ज़्यादा डिग्री होगी वो डिग्री आपको लिखनी है। ठीक है ना, अगर आप चाहे तो इसको आगे तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ठीक है, प्लस यहाँ पर 2ab ठीक है, तो ये बी क्या है माइनस का, तो माइनस का हम यहाँ पर साइन लगा देते हैं। तो प्लस 2a क्या है जेड की पावर 4 है, और बी क्या है माइनस 2 है इस तरीके से, और फिर प्लस 2b, बी क्या है माइनस 2 है, और फिर क्या है सी क्या है जेड स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों चलो इधर लिख लेते हैं प्लस 2ca, सी क्या है जेड स्क्वायर और a क्या है जेड की पावर 4 इस तरीके से। ठीक है ना, अब यहाँ पर बच्चों देखो जब एक पावर इनसाइड होती है एक पावर आउटसाइड होती है, तो उस कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी है, जेड की पावर एक पावर इनसाइड है एक पावर आउटसाइड है, तो यहाँ पर इन पावर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो जेड की पावर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, और 2 2 जा 4 4 जेड की पावर 4 ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 जेड स्क्वायर, और इधर भी बच्चों प्लस 2 होगा, और यहाँ पर दोनों तरफ जेड है, तो इस कंडीशन में जब बेस इक्वल होते हैं बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई समझना है, तो इस कंडीशन में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब बच्चों आप बताओ सबसे बड़ी पावर किस में आ रही, जी हाँ ये आ रही 8, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 8 होगी बच्चों, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही आपका डिग्री मानी जाती है, वही आपका आंसर होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या कहता है, देखो यहाँ पर फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, यहाँ पर भी डिग्री फाइंड आउट करनी है, और देख हम देख रहे हैं इधर, तो बच्चों मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये ए ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और होल स्क्वायर डाला है, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला ए ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर लगा लो, ये हो गया, और माइनस 2ab तो एक्स स्क्वायर है और b क्या 1 है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पर ये ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट को हम लिख लेते हैं यू का यू ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरीके से।
अब देखो बच्चों, x की पावर एक इनसाइड एक आउटसाइड है, तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से आ जाएगा, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, और माइनस यहाँ पर 2x स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब ये दो ब्रैकेट हमारे सामने आ गए हैं बच्चों, हमारे सामने क्या आ गए हैं, दो ब्रैकेट आ गए हैं, और हमें अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x की पावर 4 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में आपके आंसर आ जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पावर इधर है और इसमें इस तरफ है। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे x की पावर 4 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऐसे। तो चाहे तो आप पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिटेल से, अदरवाइज यहाँ पर करेंगे जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएंगी, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, और इधर भी पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। बाद में 1 की भी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे भी इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पावर यहाँ पर ये रहेगी, x की पावर 7, तो 7 आपका आंसर रहेगा बच्चों। जगह का मैं अदरवाइज मैं पूरा इसको करके दिखाता, लेकिन क्योंकि आपको अगर, हाँ, ये चीज़ याद रखनी है, अगर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो फिर पूरा एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आपको डिग्री के लिए कहा गया है तो सबसे बड़ी डिग्री 7 ही रहने वाली इसमें, तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आइए करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, मान लीजिए यहाँ पर इक्वल 3x प्लस 2 इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस पर अगर वो इंटरसेक्ट करता है, तो बच्चों अगर x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका मतलब y वाला तो 0 होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन हमें x का हमें जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर क्या करेंगे, 3x इस प्लस 2 को ले आओ राइट साइड में, तो इधर ये माइनस 2 हो जाएगा, और 3 की x की वैल्यू अगर हम निकाले तो माइनस 2 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, तो x की तो वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरसेक्ट किस पे हो रहा है, यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई ग्राफ बनाएंगे तो इस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वाई वाला जो पॉइंट होगा वो 0 होगा, तभी तो इंटरसेक्ट होगा ना यहाँ पर। तो बच्चों अगर हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं तो पहले तो पॉइंट हमेशा याद रखना है, पहले पॉइंट जो आएगा वो किसका आएगा, एक्स का आएगा, और बाद में किसका आता है, 0 का आता है, तो वाई का पॉइंट आता है पहले, ठीक है, पहले बाद में 0 वाई वाला पॉइंट आएगा, और पहले किस चीज़ का आएगा, एक्स वाले पॉइंट आएंगे, एक्स वाले कोऑर्डिनेट, ये हमेशा याद रखना है। तो ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था, तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट पेज पर मैं करा रहा हूँ बच्चों, इसमें भी हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ताकि फिर कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, तो वो गलती से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये मैंने करा दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, लेकिन फिर 4, 5, 6 ये मैंने करा चुका हूँ अभी, ठीक है, अभी कराया जस्ट, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, और इसको क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आइए इसको भी जीरोज फाइंड आउट कर ली, तो करना कैसे है बच्चों, यहाँ पर देखो लिखा है 6y², ठीक है, तो इसको तो हम क्या करेंगे, या तो आप एक काम करें बच्चों, बड़ा ईजी मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसको लिख ली 6y² - 3 = 0, ठीक है ना, इस तरीके से, और इन दोनों पद में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लीजिए आप, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और y और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं रहा, तो क्या रह गया, 1 रह गया, और इज इक्वल टू 0, इस तरीके से, ठीक है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा 0 के साथ, अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ इस तरीके से लिख के, लेकिन आप इसको वहीं के वहीं हटा देना, 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है आपकी जो ये पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पर ये 2 है ना, 2 तो मैं भूल ही गया, ये इक्वल ये इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर मैं देखो 2 को अगर हम स्क्वायर में डाले तो इसको √2 करना पड़ेगा, ठीक है, और y को अलग हटाना पड़ेगा और होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर -1² इस तरीके से, ठीक है। अब ये a² - b² हो गया, तो अब आपको क्या करना है, अब इसको लिखना a a² - b² इक्वल होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ,
ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरीके से, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए क्या है रूट टू और वाई प्लस वन इस तरीके से, और बी क्या है तो ए, तो ए है पहले यहाँ पर, ठीक है, ए माइनस बी है ना, तो ए माइनस बी इस तरीके से, ठीक है। कई बार शोर शराबा होता है तो ध्यान उधर चला जाता है, तो इस कारण क्या होता है कि मुंह से उल्टा सीधा वर्ड निकल जाते हैं, तो इसको इग्नोर करें, ठीक है। हमने लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो और इज इक्वल टू जीरो, जीरोज फाइंड आउट करनी है तो इक्वल टू जीरो रख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब बच्चों क्या करना है, अब देखो हमें वाई का निकालना मान, तो बच्चों इधर ये प्लस वन है, इधर आकर ये माइनस वन हो जाएगा, और y के साथ रूट टू जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, एक तो ये आएगा, ठीक है ना, और ये माइनस वन है तो इधर आकर प्लस वन हो जाएगा, और रूट टू तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको इस तरीके से लिखना, तो यहाँ पर माइनस प्लस का साइन डाल दे, और आप एक ही वन ही टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरीके से कर दिया तो भी ठीक है, अगर आप अलग अलग करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा बच्चों, ये सबसे बेस्ट है ये। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन रह गया था, तो प्लीज इसको जरा आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। पर इसको विराम देता हूँ, रिलैक्स करते हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाना है। अगर सिखाने के लिए आपके पास कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है तो आप बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी अच्छी रैंक आए, और दिल्ली में, और यानी मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया में आपका नाम हो, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।